बिहार में एनडीए का पेच क्या है, आप जरा यहां पर ये समझिए, इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपको समझाते हैं। जीतन राम मांझी, बिहार मंत्रिमंडल में 2 सीटें चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान, 11 लोकसभा सीटों पर प्रभारी की नियुक्ति। तो एनडीए का पेच आप समझिए इसके जरिए, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान, लेकिन मांझी का एंगल आप समझिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो कुछ कहा, उनके बयान जो सामने आए थे बीते दिनों, वो बता रहे थे कि ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। नीरज, क्या समझा जाए इस पर? आशीष का रुख मैं कर लेती हूं। आशीष, मांझी क्या मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वो अकेले बढ़ा पाएंगे मुश्किलें? देखिए, उनकी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं कि संभव है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में ही फूट हो जाए। ऐसे में हो सकता है कि उनको कंपल्शन में कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जिससे डिस्टेबिलिटी की गुंजाइश बन जाएगी बीजेपी और जेडीयू की, जो मिली हुई सरकार वहां पर अभी कुछ दिनों पहले बनी है। इसलिए अभी आप थोड़ी देर पहले अभिषेक और नीरज से बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली नीतीश कुमार का आना ऐसे वक्त पर इस हिसाब से भी बड़ा रेलिवेंट है कि उनके सामने जो पहली प्रेसिंग चुनौती है वो है अपनी सरकार बचाना। 114 बताते हैं महागठबंधन के पास है, जो सोर्सेज हमें इंडिकेट करते हैं। अगर ये भी उनके पास चले जाते हैं अपनी पार्टी में फूट के मजबूरी से, तो 118 119 के करीब आते हैं। 121 का आंकड़ा वहाँ छूना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके एमएलए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि टच एंड गो में बीजेपी का पूरा रोबस्ट समर्थन ना मिले सरकार बचाने में, तो बात कहीं सरकार पर आ जाए। तो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जीतन राम मांझी का रोल बड़ा अहम रहने वाला है, और देखने वाली बात होगी कि वो इधर रुकते हैं या फिर पाला बदलते हैं। ठीक है आशीष, आप रहिए हमारे साथ। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले, बिहार में आखिर जिस तरह से फॉर्मूले पर बात हो रही है, फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्मूला, कुल 40 सीटें हैं बीजेपी जेडीयू और एलजेपी आर। बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 14 सीटें और एलजेपी रामविलास 3 सीटें, ये फॉर्मूला। और इसके साथ ही आरएलजेपी पशुपति 3 सीट, हम पार्टी 2 सीट, आरएलजेडी से 1 सीट। तो ये फॉर्मूला बिहार में हो सकता है 40 सीटों का, ये पूरा समीकरण जो हम आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समीकरण क्या फाइनल होता है, क्या इस पर कोई बातचीत हो सकती है, इसको लेकर भी अभी फिलहाल जो है वो इंतजार थोड़ा करना होगा। अंकित, आपके पास आते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी एक यहां पर पेच के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी भी बात होती होगी चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से, हुई होगी बीते दिनों, क्या लग रहा है उनको, उनके पास इसको लेकर क्या कोई फॉर्मूला है, उनकी तरफ से कोई डिमांड रखी जा रही है, क्या जानकारी है? देखिए, चिराग पासवान की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पिछली बार उनकी जो पार्टी जो इंटैक्ट थी उसके पास में जितनी सीटें थी, नहीं उतनी सीटें, लेकिन फिर भी जो है उनको एक सम्मानित जो है सीटें चाहिए। और ये यहां पर इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमको याद रखना होगा कि जब जो 2020 में चुनाव हुआ था तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का मुखर विरोध किया था। ऐसे में जब नीतीश कुमार वापस जो बीजेपी के साथ आए हैं तो चिराग के लिए बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो एनडीए का हिस्सा है। उनका ये कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हूं, तो ऐसे में चिराग पासवान भी अपना स्टैंड जो जरूर जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में क्लियर किया है। और यह भी हमको याद रखना होगा कि जब नीतीश कुमार बिहार में शपथ ले रहे थे तो चिराग पासवान दिल्ली से गए तो थे वहां पर, लेकिन वो जेपी नड्डा के साथ में गए थे, यानी कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ में वो लगातार संपर्क में है। और इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, और वो यह है कि नीतीश कुमार आज आए हैं लेकिन उनके दो जो डिप्टी सीएम है, यानी कि जो बीजेपी के नेता थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो 2 दिन पहले ही आकर के प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, सबसे जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। यानी साफ तौर पर जो यहाँ पर जो यहाँ पर रणनीति है वो यही है कि अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल का विस्तार हो वो तो हो ही, लेकिन आगे किस तरह से आगे बढ़ना है उस पर भी चर्चा हो रही है लगातार। जी बिल्कुल, यानी रणनीति तय की जाएगी और उसी के मद्देनजर इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।